हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। दोस्तों, राग भैरव सुबह गाया जाने वाला बहुत ही लोकप्रिय ऐसा राग है। उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसका विस्तार कैसे किया जाता है और राग भैरव की कुछ और खासियतों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सब्सक्राइब कीजिए म्यूजिकल बातें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं भैरव राग के छोटे से परिचय से। इस राग का जो ठाट है वो है भैरव। जी हाँ, भैरव राग भैरव ठाट से निर्माण हुआ है, इसलिए उसको जनक राग भी कहते हैं, क्योंकि ये पहला राग निर्माण हुआ है जो भैरव ठाट से निकला है। उसके बाद वर्जस्वर, इसमें कोई वर्जस्वर नहीं है, एक भी स्वर को इसमें निकाला नहीं हुआ है, सभी स्वर इसमें लगते हैं, इसलिए राग जाति संपूर्ण संपूर्ण होगी। इसमें ध्यान देने वाली जो बात है वो है रे और ध कोमल। जी हाँ, इसमें रे ऋषभ और ध धैवत, ये दोनों स्वर कोमल लगते हैं। उसके बाद है राग जाति संपूर्ण संपूर्ण। वादी स्वर है धैवत यानी ध, और संवादी स्वर है ऋषभ। जी हाँ, वादी स्वर ध, संवादी स्वर ऋषभ रे। उसके बाद इसका जो गाने का समय है, राग गाने का समय, वो है प्रातःकाल या यूं कहे सूर्योदय से पहले। भैरव राग की जो प्रकृति है वो है गंभीर शांत और भक्ति रस प्रधान, यानी भक्ति रस से ये भरा हुआ राग है। तो दोस्तों, भैरव राग के छोटे से परिचय के बाद इसका आरोह अवरोह और इसका विस्तार कैसे किया जाता है, इसकी हम जानकारी अभी लेते हैं। जैसे पहले मैंने कहा, इसमें कोई भी सुर वर्ज्य नहीं है, लेकिन रे और ध ये दो सुर कोमल लगते हैं, तो इसका आरोह कुछ इस प्रकार का होगा। इसमें और एक गौर करने वाली चीज ये है, रे और ध ये कोमल तो है, लेकिन उसके साथ साथ आंदोलित भी है। आंदोलित यानी रे जो है वो ग से आता है और ध नी से आता है, तो इसीलिए रे लगाते हुए ग का कर्ण हम लेते हैं, यानी ग कर्ण स्वरूप है। जैसे रे रे यानी ग रे ग रे, तो ग डायरेक्ट लगाने का नहीं है, इसमें सिर्फ कर्ण स्वरूप ग आता है। जैसे रे रे सा, उसी तरह से ध भी नी से आता है, यानी नी कर्ण स्वरूप लेते हैं, तो ध ध नी ध नी ध सिर्फ कर्ण ध ध प, इस तरह से। तो रे और ध कोमल है, साथ साथ आंदोलित है। आरोह और अवरोह के बाद अभी इसकी पकड़ कैसे है वो हम देखते हैं। सा रे रे सा ग म रे रे सा ग म प ध ध प ध र प म प म म प ग ग म प ग म रे रे सा।
अभी भैरव राग का जो विस्तार है वो हम कैसे करते हैं उसकी जानकारी अभी लेते हैं। विस्तार जो है वो मंद्र, मध्य और तार सप्तक, इन तीनों में सप्तक में किया जाता है। भैरव राग चूँकि गंभीर, शांत और भक्ति रस से भरा हुआ है, इसलिए उसके उस हिसाब से सुर लगने चाहिए और उसी तरीके से स्वर संकेत जो है वो आनी चाहिए। तो देखते हैं विस्तार कैसे होगा। शुरुआत करते हैं थोड़े से मंद्र सप्तक के सुरों से। Yeah.
तो दोस्तों कुछ इस प्रकार भैरव राग का जो विस्तार है वो किया जाता है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपके कुछ सवाल होंगे तो हमें ज़रूर कमेंट करके भेजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, और आप चैनल पे अगर नए आए तो सब्सक्राइब पर जो बटन है उसे प्रेस कीजिए। थैंक यू और नमस्कार।